खबर पीलीभीत जनपद से कांवड़ यात्रा में जमकर असलहों का प्रदर्शन हुआ। कांवड़ यात्रा में दिखाए गए असलहे नाजायज असलहों का प्रदर्शन हुआ। युवक लहरा रहा है नाजायज असलहा। रैली के दौरान कांवड़ियों ने लहराए तमंचे और तलवार। सोशल मीडिया में तमंचे और तलवार लहराते वीडियो फोटो वायरल। पूरनपुर क्षेत्र में निकाली बाइक रैली। कांवड़ यात्रा की रैली में युवक ने अवैध तमंचा लहराया और अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल। पुलिस के सामने जमकर असलहों का प्रदर्शन। पूरनपुर थाना क्षेत्र से शारदा नदी तक निकाली गई बाइक से कांवड़ यात्रा रैली। वहीं कांवड़ यात्रा रैली में युवकों ने असलहे दिखाए और तलवारें। जिसमें रैली तो निकली कांवड़ यात्रा की, उसमें कुछ युवकों ने जमकर असलहों का प्रदर्शन किया। पुलिस के सामने ही बेखौफ होकर जिनमें से एक युवक का तो नाजायज असलहे के साथ फोटो व वीडियो भी खूब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नाजायज तमंचा लहरा रहा है और यह सब पुलिस के सामने ही हो रहा है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। फोटो और वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वो लोग अवैध तमंचे और तलवारें लहरा रहे थे। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई है? ये थाना पूरनपुर क्षेत्र का मामला है। एक युवक है जो अवैध तमंचा लहरा रहा था, उसका वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीत किया है और उस युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कितने लोग जेल भेजे जा रहे हैं? इसमें दो लोगों को जेल भेजा जा रहा है और युवक है, उसके साथ एक साथी भी है।